सिंगल जी के साथ मेरा संपर्क जब मैं संभाग प्रचारक यानी 1987 से शुरू हो गया था प्रांत प्रचारक क्षेत्र प्रचारक ये सब रहने का उस समय संपर्क में बैठकों मिलना जुलना रहता ही था वैसे भी कई बार वो हमारे घर पर आए गाँव में उनका गाँव और मेरा गाँव केवल छः किलोमीटर की दूरी है उनका जो पैतृक गाँव मूल गाँव तो उनके गाँव जाने का उनका हमारे गाँव में आने का घर पर आने का कई बार हुआ है उनकी जो बहन उषा दीदी वो भी कई बार आई तो इसलिए संपर्क एक संघ के प्रचारक के नाते लेकिन एक पारिवारिक के नाते से भी रहा और अशोक जी का बहुआयामी व्यक्तित्व था जो उनके कर्तित्व से प्रकट होता है एक अपनेपन का भाव आत्मीयता का भाव किसी के दुख दर्द में भी कितनी वो चिंता और वेदना अपने ऊपर लेते थे चिंता नहीं तो व्यवस्था भी बनाते थे मैं अपना ही उदाहरण दे दूँ मैंने तो कईयों का देखा है लेकिन अपने ही उदाहरण देता हूँ कि जिस समय 2000 में 17 अक्टूबर को 2000 मेरा लखनऊ केंद्र था तो डिस्क स्लिप हो गई नहाते समय एक दो महीने बाद उनको पता लगा काफ़ी कष्ट में रहा मैं एल फोर फाइव तो उन्होंने एक कार्यकर्ता है देहरादून का रवि देव आनंद उसको तैयार किया मेरे को फ़ोन पर कहा कि तुम तुरंत कोयम जाओ और वहाँ तेल चिकित्सा हो रविदेव मेरे को लेने के लिए लखनऊ आया लखनऊ से मुझे लेके आया दिल्ली दिल्ली से एयरपोर्ट से सीधे कोयम टूर आर्य वैद्यशाला उसके मालिक थे कृष्ण कुमार जी तो कृष्ण कुमार वाडिया तो वो उन्हीं का था वो दिल्छ के साथ तो पैंतीस दिन मुझे रखा हुआ और रवि पूरे समय वहाँ रहा काफ़ी आराम मिला तो व्यक्तिगत चिंता इस सीमा तक सब टिकट फिकट का चिंता उन्होंने की संतों के साथ संपर्क जिस समय देवरा बाबा में ब्रजप्रांत प्रचारक था आगरा केंद्र था और वृंदावन में देवरा बाबा मचान पर रहते थे तो अशोक जी ने ही खुद कह कर के भाई तुम कहाँ हो मैंने बताया कि आगरा ही हूँ कि ठीक है मैं वृंदावन आ रहा हूँ आप आओ तो मैं आ गया पहली बार देवरा बाबा से मिलाने का काम उसके बाद तो पाँच सात बार मिलना हुआ उनका आशीर्वाद मिला तथा उन मिलते समय देवरा के साथ जो उनकी वार्ता या उनके आश्रम में ही किस तरह से वो एकदम जैसे ध्यान में चले गए हों इस तरह की स्थिति उनको मैंने देखी अब मैंने अब खड़ा हो जा गया दे दिन बच्चा खड़ा हो गया देखा और सुना सुना यह हरा हुआ बच्चा है इनका नाम अशोक सिंघल है और यह जो है भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीधा चल देखते हाँ ये कर लेंगे आप भाई पढ़ा तोड़ करें तो ये है देख लिया हाँ इन लोगों को फोटो ले लिया ले लिया फोटो ले लिया सर हाँ तो ले लिया तो सब ठीक है ये नहीं का फोटो लिया बस ठीक बस ये दुई का फोटो लेना और किसी का हाँ दुई का फोटो ले इनका नाम अशोक सिंघल आई इनका नाम यानी भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी सीरा चंद स्थित तब पड़े और सुना हिंदू विश्व परिषद में ये काम कर रहे उन्नीस लखनऊ के अंदर था मेरा शैक्षित प्रचारक था मैं तो 8 मार्च उन्नीस दिल्ली में माता में माँ अम्मा केरल वाली तो वो यहाँ आई थी हर साल आती थी तीन दिन कम से कम दर्शन देती थी वो तो उस समय भी मुझे बुला करके अम्मा के साथ परिचय कराने का काम किया और भी ऐसे अनेक संत समाज के अच्छे व्यक्ति उनसे में दायित्व वो विष्णु फिर भी मुझे वो जाने उनकी कल्पना क्या दृष्टि रही होगी मिलाते थे तो एक संपर्क के दृष्टि से आध्यात्मिकता की दृष्टि से उनका मन बहुत गजब का था ऐसी स्थिति में और एक चीज़ ध्यान में आती है दूरदृष्टि यानी मैं जब 2008 अक्टूबर संघ के कार्यकारी मंडल विशाखापट्टनम में मेरी घोषणा होगी परिषद और 6 जनवरी 2009 में वर्धा पल्लई अम्मा भगवान के आश्रम में मेरा आंध्रा में है तो वहाँ पर संगठन महामंत्री के नाते घोषणा हुई उस घोषणा में भी विष्णु प्रसाद में संगठन महामंत्री का कोई धारा क्लॉज नहीं था फिर भी उन्होंने प्रन्यासी मंडल जो सिस्टम है संविधान का उसमें पूरा करा के सर्वसम्मति से पास कराया और छः जनवरी 2009 में मेरी संगठन महामंत्री की घोषणा की तथा जो विशेष बात ध्यान में दूरदृष्टि की आती है कि किस प्रकार से 2014 लोकसभा का चुनाव तो उस समय तो मैं विश्व प्रसाद में आ गया था तो 2012 2012 में जब उनके साथ बैठते थे तो बातें होती थी उस बातों में से स्पष्ट होता था के किस प्रकार से उनके दिमाग चलते थे और वो में लोकसभा में किस तरह से व्यक्ति देश के एक देशभक्त राष्ट्रभक्त एक प्रधानमंत्री कैसे देश पर गद्दी पर बैठे ये बारह में बोलते थे वो और तेरह में यानी बारह में हमने बाद में स्लिप जब उनके शरीर पूरा हुआ तब तो उनके सब अलमारी में से तो स्लिप पैड इतने से जो है उसमें 2012 में प्रांत के अनुसार किस प्रांत में कितनी लोकसभा की सीटें आएंगी और कुल मिलाकर के 300 से ऊपर सीटें आएंगी 2014 में ये बारे में उन्होंने पूरा हिसाब लगा के रख दिया कल्पना करिए इसकी जानकारी नहीं होगी लोगों को ऐसे ही 2013 प्रयागराज के कुंभ में उन्होंने यानी मंच से विश्व परिसद का मंच था संतों का सम्मेलन था लेकिन संतों ने भी बोलना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं प्रेरणा अशोक सिंगल की रही होगी तो ये जो एक दूरदृष्टि और चौदह में फिर व्यक्ति तो व्यक्ति में भी जो जानकारी में मिला वो यही मिला कि देवरा बाबा के संकेत पर उन्होंने मोदी जी को हाईलाइट किया सामने रखा फिर भाजपा में किसको मनाना है किसको समझाना है संघ में सर संचालक सरकार को कैसे समझाना है मनाना है ये सब कुछ उन्होंने किया और उसमें से मोदी जी चौदह में सामने आए यह है दूरदृष्टि लक्ष्य इस कार्य को करने में नाम लेना अच्छा नहीं लगता एक अच्छे भाजपा के और मुख्यमंत्री के नाते से। मिलने के लिए उनसे गए थे वो जल्दीबाजी में होंगे व्यस्त होंगे तो एक घंटा इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद जब वो निकल के आए तो अशोक जी मैं इस समय नहीं मिल पाऊँगा और आप क्यों परेशान होते हैं अपनी तपस्या को क्यों कमजोर कर रहे हैं ये नेता के वाक्य था फिर भी उन्होंने अशोक जी ने मुस्कराते हुए कि ठीक है कोई बात नहीं फिर मिलेंगे तो ऐसी सब कुछ झटके झेलकर मैं तो कहूँगा अपमान झेलकर मैं तो यही कहूँगा फिर भी लक्ष्य को पूरा प्राप्त करना यह जो उनकी जिद और लक्ष्य प्राप्त करने के पीछे की जो उनकी दृष्टि है उस दिशा और दृष्टि और लक्ष्य के प्राप्ति में कुछ भी सहन किया अपमान भी सहन किया कार्य भी किया कर्तित्व तो उनका था ही ऐसे कर्तित्व के बल पर उन्होंने जो कुछ भी किया रामजन्म के इस आंदोलन में जो उनका कर्तित्व दिखाई देता है सब जानते हैं सब ने देखा है इसलिए ज़्यादा कुछ कहना की जरूरत नहीं उसमें भी सबसे कठिन काम जो था वो था देश भर के सभी संप्रदायों के संतों को जोड़ना उनके दिमाग में यह राम मंदिर सामान्य राम मंदिर नहीं तो राम लला के जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण का विषय है यह हिंदू के स्वाभिमान का श्रद्धा का आस्था का विषय है इसलिए इसको किसी के मत पर छोड़ा नहीं जा सकता है और आप लोग समाज में आगे जाइए जन जागरण के लिए आगे बढ़िए और उसमें से फिर सब संप्रदायों को एक मंच पर बिठाना ये कम नहीं है बहुत बड़ी बात मैं इनके साथ कैसे बैठूँगा मैं कैसे बैठूँगा ये सब बहुत भाव थे संतों में भी पर वो सब संतों के भाव मनों के भाव को भी दूर करना शंकराचार्य धर्माचार्य विभिन्न संप्रदायों के जो प्रमुख उन सब ने भी कहीं ना कहीं अपने अपने शब्दों में एक ही बात इसका निष्कर्ष है कि समाज से जो हम मठों तक सिमट गए थे अशोक सिंगल जी ने हमको फिर से समाज में जो अपना कर्तव्य बोध करा करके और समाज में पहुंचाने का काम समाज में हम अपने कर्तव्य को निभा कर उनको दिशा प्रेरणा देने का काम ये हमारा काम था लेकिन ये काम अशोक जी की प्रेरणा से हमको समाज में जाने का यह दृष्टि मिली और हम जाना शुरू किया आज सब सहज रूप से उस संतों के ही उस पर्याप्त भ्रमण प्रवास आदि के कारण से और खुले रूप से सभी प्रकार के ऊँचनी इछुआछूत जात भेद भाषा भेद प्रांत भेद सब भावों को मिटा करके हम सब हिंदू एक इस भाव से हम सब सम्प्रदायिक पूजा पद्धति अलग होगी पर हम सबका एक आराध्य राम इसलिए हम राम मंदिर के लिए लगे इस प्रकार का ये सब जो अनेक प्रकार के विषय रहे वो मेरे साम से काफ़ी मंदिर निर्माण का कार्य ये तो ठीक ही है 9 नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा सर्वसम्मति से राम मंदिर के, के ही रामलला की जन्मस्थली है और इसलिए भारत सरकार को यह कहते हुए कि तीन महीने में एक ट्रस्ट बना करके उनको सौंप दीजिए और सत्तर एकड़ भूमि जो उस समय नरसिंह राव प्रधानमंत्री हमारे थे उनको अधिग्रहण किया था उसमें भी सत्तर एकड़ में पैंतालीस एकड़ भूमि राम जन्मभूमि न्यास के नाम पर अशोक सिंगल जी ने व्यवस्था बनाई थी रजिस्टर्ड बाकायदा वो भी उसमें उन्होंने अधिगण की थी उद्देश्य ये था कि राम मंदिर जब भी बनेगा तो उसमें से ही ये सब काम आएगी जबी और आप कल्पना करिए उनकी दूरदृष्टि और एक आत्मविश्वास सबसे बड़ी बात है आत्मविश्वास कि दो हजार नब्बे उन्नीस सौ नब्बे में जब कुछ भी किसी को दूर दूर तक सोच भी नहीं था कि क्या होगा कोर्ट क्या करेगा और क्या करेगा लेकिन इसके बाद भी सोमप्रा अहमदाबाद उनसे मंदिर का प्रारूप तैयार करवाना उस प्रारूप के आधार पर पत्थरों की तराशी कराना कटाई छटाई और वो सब लोग पूछते थे अरे कभी तो समय आएगा जब समय आएगा तो ये पत्थर वही मंडल के मं, मंदिर के काम में आएंगे और आज हम देखते हैं कि ये जो दो साल में मंदिर तैयार हो रहा है तो वो जो नब्बे से तराशने वाले पत्थर वही सब काम आ रहे हैं और भी कुछ नए पत्थर आ गए लेकिन मॉडल और पत्थर वहीं का यह जो दूरदृष्टि और आत्मविश्वास दृढ़ विश्वास दृढ़ निश्चय होगा ही चार बानवे वर्ष अर्थात आठ वर्ष कम पाँच सौ वर्षों का संघर्ष छिहत्तर संघर्ष हुए पहला संघर्ष हुआ था पंद्रह में केवल उसमें मीर के द्वारा एक पत्थर लगाना था जिसमें लिखा गया था यह मस्जिद बाबर शिखर तोड़ दिए थे तो यह मस्जिद बाबर ने बनवाई मीर बाकी जी के देख रेख में नेतृत्व उस पत्थर को भी अयोध्या के हिंदू समाज ने और सन्यासियों ने स्वीकार नहीं किया था उसमें भी संघर्ष हुआ और पहले संघर्ष में साढ़े तीन हज़ार सन्यासी और हिंदू अयोध्या के बलिदान हुए थे से लेकर छिहत्तर बार संघर्ष हुआ है और चार लाख से अधिक हिंदू बलिदान हुआ है आठ वर्ष कम पांच सौ वर्ष इसलिए यह मंदिर सामान्य रूप से मंदिर नहीं एक तो उनके जन्मस्थली का मंदिर दूसरी बता समाज की आस्था का श्रद्धा का विश्वास का केंद्र दूसरा तीसरा ये राम मंदिर का निर्माण रामलला अपनी जन्मस्थली पर जो विराजित हो रहे हैं इसके कारण से जो हिंदू समाज में एक स्वाभिमान का भाव जगा अपने कर्तव्य का भाव जगा उसके कारण से हिंदू अब एक देशभक्त के बारे में कहा जाता है कि देशभक्त नागरिक कैसा चाहिए तो हिंदू भी कैसा चाहिए यहाँ का मूल निवासी तो हिंदू ही है तो ऐसी स्थिति में देशभक्त जागरूक समझदार स्वाभिमानी और सक्रिय देशभक्त नागरिक के रूप में आज हिंदू खड़ा हुआ है और इसलिए कोई भी बात होती है तुरंत तो उसको समझ में आता है कि हम पर आघात हो रहा है जो राष्ट्रीय शक्तियां हैं विघटनकारी शक्तियां हैं अलगाववादी शक्तियां हैं वो अपना अपना काम करनी है अपने अपने ढंग से काम करनी है अब तो स्थिति ये हो गई कि जब उनको दिखाई कि अब अकेले अकेले काम नहीं चल रहा है तो अराष्ट्रीय और विघटन करी तो अब मिलकर भी काम करने की स्थिति में आ गई ये प्रमाणित करता है कि वह हिंदू समाज के जागरण के कारण से उसकी सक्रियता के कारण से उनको भी लगा कि हम अकेले अकेले अपने आप मंसूबे पूरे नहीं कर सकते इसलिए कहीं मिल जाते हैं कहीं अलग हो जाते हैं ये उनका काम हमें नहीं मतलब पर हिंदू समाज के जागरण के कारण से जो स्वाभिमान की स्थिति उसमें से जागरण की जो स्थिति बनी है जागरण के कारण से अब आपका जो प्रश्न है कि भाई आगे क्या तो स्वाभाविक है कि है जो एक हज़ार आठ सौ वर्षों का लगातार संघर्ष रहा उस संघर्ष में कभी पराजित हुए कभी विजयी हुए एक बात अवश्य मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कभी भी भारतवर्ष पर हज़ार आठ सौ वर्षों में चाहे इस्लाम हो चाहे ईसाइत हो चाहे और भी आए होंगे डच फ्रांसिस पुर्तगाली आदि आदि एक छोटे से हिस्से पर कहीं ना कहीं कब्जा किया होगा पर संघर्ष बराबर रहा भारत का इतिहास ग़ुलामी का नहीं है संघर्ष का इतिहास और अब कई बार ये विषय आता है कि भाई मैं सुनता हूँ मुझे सुनने को मिला और बाकायदा वो बोलते हैं जो गोष्ठी होती है ना चैनलों पर तो उसमें किसी ने बोला है बताते हैं कि भाई बना लो बना लो जब हमारा शासन आएगा तो हम सब तोड़ देंगे बदल देंगे फलाना कर देंगे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो समय गया अब वो समय नहीं आने वाला अब हिंदू को समझ में आता है कौन अपना कौन पराया और कौन क्या मंसूबे मन मना मन में लेकर के बैठा हुआ है सबका जवाब देने की क्षमता आज हिंदू समाज में धीरे धीरे विकसित हो गई है और हो रही है और इसलिए आगे का जो अब कुछ होना है वो तो अब सीधा सीधा है कि सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है वो सांस्कृतिक सत्ता है आध्यात्मिक सत्ता है उस आध्यात्मिक सत्ता और सांस्कृतिक सत्ता के साथ साथ राज सत्ता यह भी कैसी होनी चाहिए जो हमारी थी पहले तो उसका मॉडल भी राम राज्य के ही रूप में सामने आया है तो राम राज्य यह एक मॉडल है हमारे सामने भारत में फिर से राम राज्य की स्थापना निश्चित रूप से होगी निश्चित रूप से हम विश्वास रखते हैं कि होना है और राम राज्य किस तरह का तो राम राज्य के विषय में सीधा सीधा है दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज्य काहू नहीं व्यापा किसी को भी कोई कष्ट नहीं कोई भी है कैसा भी है सनातन धर्मी हो चाहे अन्य धर्मी हो अगर भारत में है तो वो सुख शांति समृद्धि के साथ रह सकता है ऐसा रामराज्य उस दृष्टि से अब भावी भविष्य की अब अप इसी अपेक्षा स्वाहिक रूप से है और होगा ऐसा हमको विश्वास है सबसे कठिन काम जब संतों में भी आशा की किरण उनके मन के भाव में नहीं प्रकट होती थी उस समय भी अशोक जी सिंगल बड़े दृढ़ विश्वास के साथ दृढ़ता के साथ अरे भाई महाराज जी ये काम होगा होके रहेगा आप बस अपनी भूमिका निभा दीजिए ये स्थिति हमने खुद अपने आंखों से देखी क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में ही था प्रचारक उत्तर प्रदेश का ही विषय था जो कार सेवा हुई नब्बे की बानवे की उस समय भी हम सब सक्रिय भूमिका में थे ही मेरा तो उन्नीस बानवे वाली कार सेवा में एक दिन का नेतृत्व भी किया तीन हज़ार का जत्था था तो ऐसे सब विषय रहे कई प्रसंग हैं इस तरह के जिस समय उन्होंने दृढ़ता के साथ अपनी बात को कि ये होना है पूरा होना है आप अपनी भूमिका निभाएं। अनेक मीडिया के लोग हमसे प्रश्न करते हैं आप कृष्ण जन्मभूमि का और का बाबा विश्वनाथ काशी वगैरह विषय आता है और इन लोगों इस इन स्थानों के लिए भी क्या इस तरह से रामभूमि की तरह से आंदोलन करना है जन जागरण करना है कुछ इस तरह की रूपरेखा बनाई है क्या विश्व प्रसाद ने तो मेरा एक ही उत्तर रहता है कि रामजमी के लिए जो आंदोलन जन जागरण का प्रक्रिया अपनाई अब इन दोनों स्थानों की दृष्टि से इस तरह की आंदोलन या जन जागरण की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऐसा मुझे लगता है एक दूसरी बात यह है कि कोर्ट से ही सहज रूप से ये सब कुछ चूँकि सत्य सत्य छुपता नहीं थोड़े से बादल आए सूर्य कहीं छुपता है क्या छठ जाता है अपने यहाँ भी कहा है देर है अंधेर नहीं देर हो सकती है तो सत्य तथ्य जो कुछ भी हैं उन सत्यों तथ्यों के आधार पर जिस तरह से राम मंदिर का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने किया तो इसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि के और बाबा विश्वनाथ के सीधे सीधे साक्ष्य सामने ही दिख रहे हैं कहीं कोई झुटला नहीं सकता तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय से लेकर के और जो कुछ होगा और कहीं कुछ आवश्यकता होगी भी तो अब स्वयं स्फूर्त समाज जागृत हो गया है स्वयं स्फूर्त समाज जागृत हो गया है इसलिए समाज किसी भी चुनौती को किसी भी परिस्थिति को तुरंत उसका समाधान उसके उत्तर देने की आवश्यकता अगर लगती है तो समाज अपने आप देने वाला है हमको अब ज़्यादा कुछ करने कराने की आवश्यकता नहीं है हमारे राष्ट्रीय शिवसक संघ के द्वितीय चालक पूज्य माधव सदाशिव कोलवलकर जी जिनको श्री गुरु जी के नाम से बोलते हैं उन्होंने समाज में धार्मिक सामाजिक संगठन के रूप में विश्व परिषद को उन्नीस में मुंबई पूज्य चिन्मयानंद मिशन के जो थे स्वामी जी चिन्मयानंद जी उनके आश्रम मुंबई में स्थापना की पूज्य संतों को लेके सभी संप्रदाय के संत वहाँ मौजूद थे उस समय दो दिन के चिंतन में से विष्णु परिषद का उद्देश्य ये था कि समाज में धार्मिक भावना पूज्य संत धर्माचार्य शंकराचार्य मठ मंदिर अर्चक पुरोहित आदि इनके प्रति आज भी कितना ही संस्कारों में कमी आई होगी फिर भी श्रद्धा है विश्वास है और इसके कारण जो कहते हैं वो मानेंगे तो वो समाज में कहने वाले बने अपने कर्तव्य के आधार समाज में जागरण करने वाले बने रहें और समाज उसको पूरा करने वाला बन जाए तो ये जो मिशन था उस आधार पर चौंसठ में जो श्री गुरु जी ने कल्पना की थी विश्व हिंदू परिषद के इन इन कामों की उनको हमने आयाम नाम दे दिया आज बीसवें प्रकार के नाम आयाम गौ सेवा का है कि धर्म प्रसार का है सेवा विभाग है कि एकल विद्यालय है कि वेद है तमाम प्रकार के सब विषय संस्कृत वाला विषय तमाम विषय हैं उन आयामों के आधार पर तो आज हम ये विश्वास के साथ अपनी आँखों से देख रहे हैं कर रहे हैं देख रहे हैं काम का परिणाम भी दिखाई दे रहा है जो 1964 में मूल विषयों को लेकर श्री गुरुजी के द्वारा जो विचार दिशा दृष्टि दी गई थी उद्देश्य के लेकर के खड़ा किया था विष्णु आज उन उद्देश्यों को पूरा लेकर के विष्णु परिषद उन सब आयामों को लेकर के हिंदू चाहे भारत का है चाहे दुनिया में रहने वाला हिंदू है उन सब के लिए इसलिए विश्व हिंदु परिषद नाम दिया तो आज भारत और भारत के बाहर दुनिया में विश्व हिंदु परिषद का काम काफ़ी उस मूल विषय को लेकर के मूल दिशा में चल रहा है यह हमें बहुत प्रसन्नता का विषय है आनंद का विषय है और निश्चित रूप से भारत तथा भारत के बाहर के हिंदू समाज में जो एक भाव जग रहा है उस भाव जागरण के कारण से तथा उसमें से सांस्कृतिक और धार्मिक और आध्यात्मिक एक दुनिया में सत्ता यानी विकास होगा तथा राम राज्य के रूप में राज सत्ता का जब विकास होगा तो निश्चित रूप से फिर से यह जो हिंदू समाज की सनातन संस्कृति की जो मूल धर्म यानी रग रग में पीढ़ी दर पीढ़ी समाया हुआ है कि विश्व का कल्याण हो तो विश्व का कल्याण निश्चित रूप से भारत के द्वारा ही दुनिया में हो सकता है और दुनिया के किसी समाज के द्वारा नहीं हो सकता क्योंकि सब अपने अपने विषयों को लेकर के संघर्ष में रहते हैं और प्रामाणिक रूप अब तो कई कहने लग गए लेकिन आज से कई साल पहले जब संयुक्त राष्ट्र संघ यू के महामंत्री कॉफी अन्न थे स्वीडन में उनको शांति नोबल पुरस्कार मिला था और उनके द्वारा जब बोला गया था पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जब उनको बोलने को कहा था तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से आज देश दुनिया भर के देशों में जिहादी आतंकवाद की आग की लपटें जल नहीं हैं इन सब जिहादी आतंकवाद के लपटों को भी अगर बुझाने की क्षमता है शक्ति है तो केवल और केवल भारत से आने वाली ठंडी हवाएं ही बुझा सकती हैं अर्थात जो हाँ अपना सनातन संस्कृति है यहाँ का हिंदू है जो विश्व के कल्याण की कामना ही नहीं करने की इच्छा रखता है उसके अब तो कोरोना में भारत ने दिखाई दिया इसलिए सब कुछ तो ये एक सबसे बड़ी बात है निश्चित रूप से भारत का हिंदू समाज का सनातन धर्म का हिंदू संस्कृति का भविष्य पुनः उत्थान की दिशा में है इसमें कोई दो मत नहीं और ये सब इनका उत्थान का विषय का मतलब विश्व का उत्थान यानी क्या सुख शांति समृद्धि दुनिया में लाने का ये केवल और केवल सनातन धर्मी हिंदू समाज के द्वारा ही संभव है ऐसी जो हमको एक स्वाभाविक इच्छा अपेक्षा दुनिया कर रही है भारत से अब उस दिशा में अब हिंदू समाज को ही अपने कर्तव्य को और अधिक दृढ़ता से सक्रियता के साथ समझ करके निभाने की आवश्यकता है और निभाया जाएगा ऐसा मैं विश्वास के साथ कहता हूँ ओम